वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय संघ की नोएडा महानगर की उपाध्यक्ष अनीता चौधरी के साथ खेलगांव स्थित अकेला रेस्टोरेंट में साड़ी पहनकर पहुंचने को लेकर हुआ विवाद थमा नहीं है। एक थीम पर आधारित इस रेस्टोरेंट में साड़ी पहनकर आने पर रोक लगी हुई थी। चारों तरफ इसे लेकर विरोध हुआ तो तमाम विभाग सक्रिय हो गए। दक्षिणी निगम ने फैसला लिया है कि यदि अब से किसी होटल रेस्टोरेंट में महिलाओं को साड़ी पहनकर आने से रोका गया तो उनको 5,00,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। रेस्टोरेंट मालिक को दूसरा बड़ा यह झटका लगा है कि उसके पास वैध हेल्थ ट्रेड लाइसेंस नहीं होने के कारण रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा है। रेस्टोरेंट की ओर से कुणाल छाबड़ा ने यह कबूल किया है कि उसके पास रेस्टोरेंट चलाने के लिए जरूरी लाइसेंस नहीं है। वहीं जब तक उन्हें लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक वह इसे बंद रखेंगे। उधर मेरठ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ संस्था की महिलाओं ने साड़ी को राष्ट्रीय परिधान में घोषित करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आइए देखिए। मेरा नाम ऋचा सिंह है और ये हमने एक मुद्दा उठाया है अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ, जो कि एक राष्ट्रीय संस्था है, इसके माध्यम से हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो अभी एक वाक्या हुआ है 19 तारीख को दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में, जिसमें एक हमारी अनीता चौधरी जी हैं, उनको एंटर नहीं होने दिया गया सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने साड़ी पहनी थी और वहाँ उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि साड़ी इज़ नॉट अ कैजुअल ड्रेस, तो ये कैजुअल स्मार्ट ड्रेस। तो क्या ये स्मार्ट ड्रेस में नहीं आता है? हमारे देश को क्या होता जा रहा है? कहाँ हमारी भारतीय संस्कृति जा रही है? इस सब से हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो शायद ये आवाज़ कभी नहीं उठेगी, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं, मेरे ख्याल से ये ऐसा बहुत बार हो चुका है, लेकिन हम लोग अपनी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। ये आपने भी सुना होगा, एक अलंकार है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। ये एक संदेह अलंकार है। संदेह का मतलब इसके बीच में बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें संदेह है, हमें बोध नहीं है। तो ये इनमें कनेक्शन देखिए कि इतना है कि साड़ी के बिना नारी अधूरी है और नारी के बिना साड़ी अधूरी है, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं? क्या मांगे, क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि साड़ी को राष्ट्रीय परिधान घोषित किया जाए, साड़ी दिवस मनाया जाए, जिससे कि सबको ये एक दिन तो एहसास हो कि साड़ी कितनी ज़रूरी है, हमारे बच्चों को ये संस्कार पहुँचे और उस रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।